Hi everyone, this is Irfani. You're watching me at Rewind with Samina Peerzada. If you like this video, please like and comment and subscribe to this channel. Thank you. ये वाइफ तक पहुंचने से पहले फिर पहली मोहब्बत कब हुई थी? वो भी काफी पुरानी बात हो गई है. हम दोनों मिले थे 1996 में. हम दोनों कौन? पहली मोहब्बत ना? मरियम में कभी तनाव तो नहीं होता? पहले हुआ करता था. अच्छा. लेकिन अब नहीं होता, अब बिल्कुल भी नहीं होता. अच्छा बताओ, मरियम कहाँ मिली? मरियम मुझे थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स लाहौर में मिली थी. और then we got married, हमारा निकाह हुआ था 2007 में and we got married in 2008. और ये जो अरसा था 96 का से 2000, जी 10 साल, तो इसमें वो शाइनस ने फिर किस तरह अप्रोच किया उसे, किस तरह उसको प्रपोज किया? आई वॉन्ट टू नो कि इमाद जो इतना शाय था, उसने पहल की किस तरह, बात किस तरह शुरू की? सबसे पहले तो मरियम को अवार्ड देना चाहिए कि इतने कॉम्प्लेक्स, इतने एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंसान के साथ शी सॉ समथिंग इन हिम, शी बिलीव्ड इन हिम. उन्होंने बाकी लोगों की तरह उसे नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगे. सो शी वॉज देयर फॉर हिम एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर. और इवन रीसेंट अगर मैं कहूँगा जो एक्टिंग की तरफ में, तो इसमें मरियम ने बहुत मुझे इनकरेज किया कि क्यों नहीं, इफ एक्स वाई जी कैन डू इट, व्हाट इज पॉसिबल फॉर अनदर मैन इज पॉसिबल फॉर यू आल्सो. जी सो बहुत. तो क्या चीज थी जो मरियम की अट्रैक्ट की थी इनिशियल? आई थिंक एम्पैथी. शी कुड सी द पोटेंशियल इन मी, द बिलीफ. So, और कितने घंटे बात करते थे दिन में उससे? उस पर लैंडलाइन का जमाना था तो हाँ, 2-3 घंटे तो होती थी. हाँ, और सारा कुछ कह दिया आपने, जितना जो जमा था, जो इतने सालों से था बंद. You shared everything with her. Not everything. मेरे ख्याल से gradually वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जी. और उस relationship में भी phases आए, उस relationship में भी ups and downs आए, लेकिन eventually we made it. गोद में उठाया थिंक वहां से एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया, क्योंकि बहुत से फ्लैश बैक्स आए जब मैं खुद जब छोटा होता था. And how I expected my parents to feel towards me, to understand me, to understand my feelings, my emotions. So वहाँ से I think when I became a father, that was the turnaround. That was वहाँ से feel करना शुरू किया कि मुझे कुछ करना है. I cannot be an extra in my own story. मुझे lead role चाहिए अपनी story के अंदर. तो वो driving seat में बैठना है. जी हाँ, इससे पहले कि मुझे दुनिया कंट्रोल करे, मुझे इस दुनिया को कंट्रोल करना होगा, अपनी दुनिया को. तो वहाँ से आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग, लेकिन इट वॉज ब्लिसफुल. इट वॉज समथिंग आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस बिफोर. और वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मोमेंट्स इन माई लाइफ. जी. और जब बेटी आई, That's recent, and once again I felt that feeling, lekin I had experienced this feeling before, so I felt that feeling. Beti ki alag baat hoti hai. Haan, yeah. Lekin yeah, I and mere liye to equals hai. To kitne bade hain ab dono? My son is 7 and my daughter just turned 1. Okay. Oh, you just wait. Abhi do ki hone do. Jee, the terrible 2 maine dekha hai wo face. Jee. So उनका तो कैसे बाप हो? हैंड्स ऑन बाप? कोशिश करता हूँ पेशेंस वाला बाप रहूँ. हाँ. कोशिश करता हूँ, लेकिन ह्यूमन हूँ, इम्पेशेंस आ जाता है कभी कभार. अच्छा, और गुस्सा आता है? या गुस्से को आप बिल्कुल कहीं
इंसान की फितरत का हिस्सा है, सो गुस्सा तो उसको लॉकर में बंद करके चाबी घुमा दो ना गुस्से को. ये मैं आज आई टेक होम आपकी एडवाइस, लॉकर में घुमा के चाबी फेंक दो. आई टेक दैट एडवाइस क्योंकि बहुत बहुत जिंदगी मैं गुस्से में गुजारी है मैंने, है ना जी, बहुत जिंदगी. बिकॉज़ अब तो जिंदगी बदल रही है, है ना, प्यार भी है, जिम्मेदारी भी है, और दो नन्हे नन्हे जी हैं जो आपकी वजह से हैं. जी हाँ, है ना, यू डोंट नीड टू बी एंग्री एनीमोर. जी जी, थिंग्स आर गोइंग योर वे, योर करियर इज पिकिंग अप. आपने माशाल्लाह बहुत मोटिवेशनल बात ये की है, है तो आज से अपने गुस्से को बिल्कुल खत्म करने के लिए स्टार्ट वर्किंग. अब तो सब सही जा रहा है. है ना, सही है. जब नहीं सही जा रहा हो तो ऑफकोर्स गुस्सा होना चाहिए. बिकॉज मैं कभी उस्मान से ये बात करती हूँ कि जिंदगी में गुस्सा नहीं होना चाहिए, जिंदगी में पैशन होना चाहिए. और पैशन को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए गुस्से से. आई एम अ वेरी एंग्री मैन, नो आई एम अ वेरी पैशनेट मैन. सो एंगर डजंट यू नो पुश यू, डजंट ड्राइव यू. जैसे कहते हैं ना, मुझे आई एम एंगर ड्रिवन, नो यू आर पैशन ड्रिवन. पैशन जब आप ये समझ जाए ना, गुस्सा गायब हो जाता है. पैशनेट होना चाहिए. एंथुसियाज्म, पैशन. यस, बजाय इसके कि एंग्री यंग मैन की बजाय यू आर अ पैशनेट यंग मैन और अ पैशनेट ओल्ड मैन लाइक आई टेल हिम. सो मैंने भी ये सीखा है कि एंगर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है. इट्स डिस्ट्रक्टिव, है ना, और आप खुद, आप सबसे ज़्यादा खुद तबाह होते हैं. लेकिन पैशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो लेके जाता है. गुस्सा नहीं लेके जाता, बिल्कुल भी नहीं. पैशन लेके जाता, बिल्कुल भी नहीं. गुस्सा आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा. हाँ जी, पैशन. आज कैसा महसूस करते हो, आज, अब इस वक्त, आज से, मतलब इस वक्त से दो मिनट पहले या आधा घंटा पहले, वेयर आर यू टुडे? मैं हर चीज को अब अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ, एंड मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू शेयर माय स्टोरी विद यू. जिन मराहिल से मैं गुजरा, मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ उस फेज से ना गुजरे. आई वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ होप, इंस्पायर पीपल के जिस आप जिस भी चीज से गुजर रहे हो, डजंट मैटर, थिंग्स विल बी ऑल राइट. दिस टू शैल पास, एंड इट्स ऑल ओवर हियर. इट्स ऑल ओवर हियर. जिस तरीके से आप उसे हैंडल करोगे, इट्स गोइंग टू, मैंने समीना जी, मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि life will throw the kitchen sink at you, or when that is over, it will throw the whole kitchen at you. You have to be strong enough to stay calm in that storm, kyunki challenges are perpetual, they are going to be always there. Lekin aap apne upar kaam karoge aur aap apne emotions ko kaise control karoge, that is going to determine where you will end up. So ab acting mein kahan kahan jaana hai, या कुछ और सोचा है? एक्टिंग में कहाँ कहाँ जाना है, गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, एंड आई बिलीव कि विद हार्ड वर्क आई कैन अचीव देम. क्योंकि लाइफ मेरे ख्याल से गोल्स कॉम्पाउंड इफेक्ट का एक रिजल्ट होते हैं. छोटी छोटी चीज़ें मिलाते जाओ, एंड इन द एंड यू विल गेट सम मैसिव रिजल्ट्स. सो एक्टिंग के अंदर जहाँ तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं हमारी इंडस्ट्री को, अपनी पाकिस्तान के नाम को जितना मैं आगे लेके जा सकता हूँ, दैट इंस्पायर्स मी. ये मुझे इंस्पायर करता है. और प्रोग्राम्स जो और गोल्स हैं, प्रॉब्ली डाउन द लाइन, व्हाई नॉट, वंस अगेन, व्हाई नॉट. जी, और एक चीज़ मैं अभी और भी महसूस कर रही हूँ देखते हुए, कि ये जो भी सफ़र था, ये जितनी भी उलझने थी, ये जितने भी स्ट्राइव थे, ये जितना भी गुस्सा था, ये किसी मकसद से आ रहा था, है ना? क्योंकि मे बी आपने मोटिवेट करना था, आपने ये सब कुछ महसूस करना था, मोटिवेट करना था, ऑफ कोर्स एज एन एक्टर उस कैरेक्टर को मोटिवेट करना था कि उसमें ये सब कुछ आप डालोगे. और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद फ्यूचर में आपने मोटिवेट करना है लोगों को, पीछे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, आप गुजरोगे तो कहोगे ना कि यहाँ मैं हर्ट हुआ था, ये ना करना. अगर आप गुजरे ही नहीं, आप जैसे कहते हैं ना, वो सोना कुंदन बनता ही तब है जब वो भट्टी में उस आग की तपिश से गुजरता है. हार्डशिप से जब गुजरोगे तभी जानोगे, वैसे नहीं, वैसे तो नहीं. तो बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू. और चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको खुद चेंज होना होता है. और जहाँ तक आप मोटिवेशन की बात कर रही हैं, बिकॉज
आई बिलीव कि अगर अल्लाह ने मुझे इतना कवेटेड, इतना यूनिक दर्जा दिया है, तो इट्स अपॉन मी टू रिस्पेक्ट हर इंसान और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ मैं, जिस तरह भी कर सकता हूँ मैं, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टू कॉन्ट्रीब्यूट बैक. थोड़े बहुत रिग्रेट्स होते हैं कि अगर मैं कुछ चीज़ें ना करता तो शायद वो एंकल की जो मुझे इंजरी हुई थी वो शायद ना होती. ऐसी कोई रिग्रेट है कि चाहते हो कि इरेज कर दो, मतलब ऐसा कोई इरेसर मिल जाए, या पीछे मुड़ के देखते हो तो कहते हो उफ़ काश. आई नो बहुत सी रिग्रेट्स है, पर उनमें से कोई ऐसी है हाँ कि ये ना किया होता? हाँ है, है, ये ना हुआ होता है, कुछ ना कुछ है, ज़रूर है, क्योंकि कि मैं उस टीचर को उसी वक्त. हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है. और Have you ever मैंने इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, मैंने उन्हें ट्रेस किया भी और मैंने उनको एक लंबा मैसेज भेजा एंड शी वाज टोटली ऑब्लिवियस कि तुम्हें किस कि किस अननोइंगली उन्होंने अजाब से गुजारा. जी जी, और शी वाज टोटली ऑब्लिवियस और उनका भी रिप्लाई आया मुझे एंड आई वाज लाइक के just to get over my demons I had to do this and I really apologize. I apologize to her ke bas I had to get it out of my system. I'm so glad you did that. Agar ye pehle kiya hota ji hai na, itni takleef na hui hoti. Ji probably probably, lekin phir agar takleef na hui hoti to yahan thodi baithe ho. Ji bilkul hai na, corporate culture mein hote. हाँ जी, 9 to 5 कर रहा होता. ये तो एक सेंसिटिव सोल ही है ना जो जो क्रिएटिव हो सकता है. जी हम भाग नहीं सकते जिस चीज के लिए आप बने होते हो. क्रिकेटर्स दे आर आल्सो एंटरटेनर्स. बिल्कुल, और सेंसिटिव सोल्स हैं वो भी, उन्हें भी लगता है परफॉर्मर्स, बिकॉज़ वो उतनी गर्मी में और धूप के अंदर पैशन, जो आपने पैशन की बात की, जब तक पैशन नहीं होगा आप वो नहीं कर सकते. आप कैसे वहां इतनी गर्मी में एक बॉल का पीछा कर रहे हैं, है ना? जी हाँ, जी हाँ. It has to be. You have to be a little passionate, too passionate. हाँ. यानी अब मैं कभी कोई दीवाना होना चाहिए. दीवानगी की हद तक, जुनून जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आप कर सकोगे. सो अब चीजें जो मैंने क्रिकेट और स्पोर्ट्स, एक तो कर लिया, एक चीज तो कर ली, उनको ट्रेस कर लिया, उन्हें बता दिया, है ना? तो एक रिग्रेट जो है वो तो, अब दूसरी रिग्रेट क्या है? काफ़ी है, लेकिन वंस अगेन उनके बारे में बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में. अच्छा. जी. और स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में क्या दिल करता? स्पोर्ट्स के बारे में हाँ, थोड़े बहुत रिग्रेट्स होते हैं कि अगर मैं कुछ चीज़ें ना करता तो शायद वो एंकल की जो मुझे इंजरी हुई थी वो शायद ना होती. वो रिग्रेट है. पर उसने होनी थी ना. हाँ जी, लिखा हुआ था. लिखा हुआ था. हाँ. अब काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं तो मैं काफ़ी चीज़ें एज अ क्रिकेटर, एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर अब स्लैश एक्टर अपने आप को देखता हूँ कि एक पूरा दिन फील्डर धूप में वेट करता रहता है और शायद उसके पास बॉल भी नहीं आएगा, लेकिन जब उसकी तरफ कैच आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तब उसने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है. तो जस्ट लाइक दैट पूरा दिन, एक्टर भी पूरा दिन बैठा रहता है, पूरा दिन बैठा रहता है, पूरा दिन जब उसका क्लोजअप आएगा तब उसने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना. तो अपने स्किल के ऊपर इतना काम करो, अपने आप को बताता हूँ मैं, अपने स्किल को इतना एनहांस करो कि जब अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ आए, और अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, अपॉर्चुनिटी आप बनाते हो, जब वो आपकी तरफ आए उसको देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन को आप उसको अपने हाथ से जाने दो. अच्छा, एज अ किड अदर देन कलेक्टिंग किताबें जो जमा करते थे क्रिकेटर्स के ऊपर और वो पढ़ते थे, उसके अलावा क्या करते थे? मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था समीना जी, और फिल्म्स का बहुत शौक था, और माय पैशन की हम बहुत बात कर रहे हैं, एंथुजियाज्म परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ ही था. परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स भी आ जाएगा. कभी कभी ड्रॉ या किया, पेंट किया? ड्रॉइंग वगैरह नहीं की, क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा था. अच्छा. एसेज बहुत अच्छा लिखता था इंग्लिश में और उर्दू में, लेकिन जहाँ पे टेक्निकल स्टफ आ जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, उधर से थोड़ा सा अच्छा. कतराता था उधर जाने से, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा था. वंस अगेन किसी भी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए हीरोज बहुत ज़रूरी होते हैं, और बहुत लेट इन माई लाइफ दे केम अ हीरो नेम्ड फवाद हु इंस्पायर्ड मी टू बिकम एन एक्टर. फवाद खान. जी जी. तो आई एम वंस अगेन, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्पिरेशन दैट आई लुक्ड अप टू एंड आई वॉज लाइक ओके व्हाई नॉट एक्टिंग. कुछ चीज़ें जमा करते थे
जैसे लोग बच्चे करते हैं ना डिंकीज एंड मैं थोड़े बहुत स्टैम्प कलेक्टिंग करता था, क्रिकेट की बुक्स करता था, फुटबॉल की बुक्स करता था, और तालीम तरबियत एक मैगजीन आता था ज़माने में, वो कलेक्ट करता था, म्यूजिक कैसेट्स बहुत कलेक्ट करता था। और क्वीन के अलावा किसको सुनते थे? बॉन जोवी एक ग्रुप है जी, बॉन जोवी के हवाले से मैं आपको एक किस्सा, 2004 अगले दिन हमारी बॉम्बे की फ्लाइट थी, फैशन शो के लिए हम जा रहे थे, तो उसका एक गाना आया एंड आई डोंट नो, वो गाना सुनते सुनते आई वॉज हाउलिंग लाइक अ चाइल्ड। एंड उस गाने का बेसिकली मफहूम ये था कि वेलकम टू वेयर एवर यू आर, दिस इज़ योर लाइफ, यू मेड इट दिस फार, वेलकम, यू गॉट टू बिलीव राइट हियर राइट नाउ यू आर एग्जैक्टली वेयर यू सपोज टू बी, दीज आर द लिरिक्स। एंड आई वॉज लाइक कि मेरा बचपन का आइडल इज सेइंग दिस एंड आई एम हाउलिंग, व्हाई एम आई हाउलिंग, क्यों? बिकॉज ही वॉज, व्हाट ही वॉज सेइंग वॉज टचिंग सम, टचिंग माई हार्ट, के you think you're a failure but actually you're not, this is exactly where you're supposed to be. So Bon Jovi, John Bon Jovi is an artist that I call my father figure. His quotes, his lyrics, his motivational speaking, I really look up to him. He's like an inspiration to me. Aur yahan ke koi other than Fawad Khan koi group tha jinka music sunta? Vital Signs, definitely. I think Junaid Jamshed, वो क्या बात थी उनकी, what a hero जी, and I got to meet him 1991 में, and what a guy, I was like wow, इस तरह के होते हैं बच्चे, एक बच्चे को importance दे रहा है, आंखों में देख के बात कर रहा है, तो he made an impact on me. इतनी छोटी एज पे एक ऐसा आइकॉन अगर आपको मिल के दो मिनट आपको अगर इज्जत दे दे, तो आई थिंक दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी. एक और अपने हीरो के बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा. 1996 पाकिस्तान का टूर हो रहा था इंग्लैंड का, वसीम अकरम के अंडर, माय कोच इम्तियाज अहमद साहब, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ही सेंट मी एज अ नेट बॉलर टू प्ले विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. मई या जून की गर्मी थी एंड एज अ नेट बॉलर आप बॉल करते हो, आप अपने मार्क पे जाते हो, बॉल करते हो, सो आई बोल्ड एंड एकदम से मुझे एक बंदा कहता है, वेल, वेरी वेल बोल्ड, एंड आई लुक एंड दैट्स वकार यूनस, एंड आई एम लाइक वाओ, ग्लोबल सुपरस्टार वकार यूनस, मेरा हीरो, इसको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी एक 14-15 साल के बच्चे को ये कहने की. आई गो टू माई मार्क, आई कीप ऑन बोलिंग फॉर 1 आवर एंड 1 आवर आफ्टर ही गोज, शाबाश, थकना नहीं है. एंड वंस अगेन समथिंग हिट मी कि इस तरह के लोग भी होते हैं. आई मीन एट अ पोजिशन जहाँ पे ब्लैक होती हैं, जिस एंड से वकार यूनस बॉलिंग करेगा वो टिकट्स ब्लैक होती हैं, एंड ही इज सच अ हम्बल गाय, अ नोबडी, अ 14-year-old किड, एंड ही इज इनकरेजिंग हिम. बट इट्स अमेजिंग ना, जिंदगी में यही है वो लम्हे जब कोई आपकी उंगली पकड़ के पार करता है. जी जी, और आई नीड, वी नीड मोर पीपल लाइक हिम जो इंस्पायर करें, जो कि लोगों को इनकरेज करें. And you're never too important not to be nice to people, I believe. वहाँ से मुझ में एक seed आया कि you're never too important not to be nice to people. एक global superstar, एक 14 साल के बच्चे के साथ अगर बात कर रहा है, तो who are you? If God gives you that kind of a darja, तो never ever think कि you are something. Always be humble. Always have empathy. Always have compassion to the other person. पहली दफा जब पैसे आए थे क्या किया था? मैंने डीवीडी प्लेयर खरीदा था. अच्छा, और कहाँ से मिले थे ये पैसे? आई थिंक फैशन शो, पहले फैशन शो की तरफ से मिले थे, तो मैंने डीवीडी अपना डीवीडी प्लेयर खरीदा था, तो वहाँ से शायद मेरा फिल्म स्कूल शुरू हुआ था. जी. अच्छा, बहुत खुश होते हो तो क्या करते हो? बहुत खुश होता तो क्या करता है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जब खुश होते हो जिंदगी में तो क्या करते हो? व्हेन यू आर वेरी हैप्पी. क्योंकि जब वो तो मैंने पता कर लिया कि कब रोए थे. वो तो मुझे समझ आ गया कि बॉन जोवी के गाने पे रोए और खूब रोए. तो जब बहुत खुश होते हो तो क्या करते हो? बहुत खुश होता हूँ तो क्या करता हूँ? I share it with my loved ones. I share it with my wife. And what makes you happy? What makes me happy? Something when my hard work gives me results. That makes me happy. आप खुश हो? चीख के रिस्पॉन्स से बहुत खुश हो?
I'll be honest if I say yes, I am, because hard work is always going to give results, and results are out of your control once again. So getting this love and adulation from the public, yeah, I'm happy, I guess. Prepare kaise karte ho character ko? Ye samajh kahan se aati hai ki isko is tarah karna hai? Director ke kaan khate ho, script ko padhte ho baar baar, ya fellow actors ke saath baithte ho? Ye sab cheezein to karta hu, lekin kuch log jo ke main regard करता हूँ, जिनको बहुत knowledge है इस बारे में, उनसे discuss करता हूँ. अच्छा. But what I love about acting is it's all a part of your imagination. आपकी अपनी imagination, आपके अपने experiences बहुत matter करते हैं. So backstory, वो अपने father के बारे में क्या feel करता है, mother के बारे में क्या feel करता है, जो कि script में hints होती हैं, बताया नहीं गया होता, उसको खुद से create करना. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के अंदाज में, उसके कॉन्फिडेंस में, उसकी सेल्फ इस्टीम क्या है, उसकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, सेल्फ इस्टीम उसकी, अपने बारे में वो क्या सोचता है, उसका अपने बारे में क्या व्यू है, सोसाइटी में अपने दोस्त, उसका दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके दोस्त आप वही होते हो जो कि आपका एनवायरनमेंट होता है. और आई बिलीव यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. तो उस चीज़ को इमेजिन करना, क्रिएट करना एक चीज़, क्रिएटिंग डिसबिलीफ. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे हेल्प की हैं, और मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी है मेरी कुछ दैट वर्क्स फॉर मी. कभी झूठ बोला है? बहुत बार. अच्छा, पकड़े गए? बहुत बार. चोरी की है? चोरी नहीं, चोरी नहीं की. नहीं, कभी कुछ नहीं चुराया? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बचपन से इनग्रेन है ना. तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि नेवर चीट, प्ले हार्ड बट प्ले फेयर. तो झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, सही है ना? झूठ बोला यू सर, और छोटे छोटे बड़े बड़े झूठ? नहीं नहीं, आई मीन हर बंदा ही झूठ बोलता है, आई मीन इन अ प्रोफेशन दैट आई एम इन. कामयाबी क्या है फॉर यू? आई थिंक कामयाबी आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी अपने आप से रिलेशनशिप्स और अपने लव वन से रिलेशनशिप्स है, वो कामयाबी है. और नाकामी? नाकामी अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से भागना, और अपने लव वन से झूठ बोलना, वंस अगेन बीइंग डिसेप्टिव, नॉट बीइंग ऑनेस्ट, वो नाकामी है. क्योंकि जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होगे, अब किसी से ऑनेस्ट नहीं हो सकता. That is so true. It begins, it starts with you, you and ends with you also. And ends with you too. जी. ज़िंदगी क्या है? Collection of experiences, अपने तजर्बे, interactions, और अपने ऊपर काम करना है ज़िंदगी और आगे बढ़ना. जो भी है, नाकामी कामयाबी आती रहेंगी, लेकिन आप उन चीजों को कैसे लेके आगे बढ़ोगे, वो जिंदगी है. और मौत? वो बताएगी कि आपने कैसी जिंदगी जी, जो लोग आपके बारे में बात करते हैं. आप किस किस्म के इंसान थे? Very well said. Oh, thank you so much. Yeah, you're right. मैंने देखा, सोचा नहीं कि you're so true. It is so true कि जब आप चले जाते हैं उस मोमेंट में, जब आप you know, you're just waiting to move on, है ना? आप तैयार होते हैं लहर में उतारे जाने के लिए, और जब लोग आपके बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं. जी हाँ. So that is a moment of success. For a lot of people, and माशाल्लाह कुछ बहुत से लोग हैं जिन्होंने लेगेसी छोड़ी है, और अब भी हम उनके बारे में, जुनैद जमशेद के बारे में अभी बात कर रहा हूँ. जी. Thank you so much, Iman. Thank you so much, Samina ji. It was I cannot explain in words what a pleasure it was to speak to you. मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके, मैंने बहुत कुछ सीखा. नहीं नहीं, मैंने आपसे सीखा, please. और मैं, I mean, it's such a dream come true to be at your show. And good luck. अभी बहुत कुछ है तुम्हारे लिए आगे. जी. Don't be shy. Don't be scared. Don't be angry. I think fear is good, and being scared also. No, being afraid. थोड़ा बींग स्केयर्ड, बींग शाई, ये सब चीज़ें अच्छी हैं. जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज़ गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज और अंडर कॉन्फिडेंस, सही रहो.
जहाँ जहाँ जो जो इस्तेमाल कर रहा है उसे इस्तेमाल करो, बट डोंट लेट इट यूज यू. जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू समीना जी. थैंक यू.